अभी शायद आ गया होगा चक्कर एक बार स्क्रीन, सभी लोग अभी आ गया होगा स्क्रीन बच्चों, थोड़ा वेट करो। स्क्रीन आया ठीक है ना? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल टू का MIQ सेशन नंबर 3, मॉड्यूल 2 स्टेटिस्टिक्स। एंड हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा इसमें? ट्रिग्नोमेट्री की, राइट। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स जो है हमारी वो वैल्यूज रख रहा है ए से लेके बी तक, टोटल हमारे पास एन एलिमेंट्स हैं, तो बताना है वेरियंस क्या होगा। ए स्क्वायर से बी स्क्वायर के बीच में होगा, ए से बी के बीच में होगा, ए स्क्वायर बाई 4 से वेरियंस छोटा होगा या बी माइनस ए स्क्वायर से वेरियंस बड़ा होगा। मतलब आपको यह पता करना है कि क्या ऑप्शन में से सही हो सकता है अगर ए एक्स हमारा ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो एक्साइज मतलब हमें हर डेटा बता दिया गया है और डेटा में हमें यह पता चल गया है कि सबसे लीस्ट जो डेटा है वो क्या है, ए है, और जो ग्रेटेस्ट डेटा है वो क्या है, बी है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, यहां से हम लोग एक चीज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इसका नाम क्या है, रेंज। और रेंज क्या होती है, बी माइनस ए, ग्रेटेस्ट डेटा माइनस लोएस्ट डेटा। तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो हमेशा रेंज से छोटा होता है, नोट कर लें, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज लेस देन द रेंज। ठीक, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। तो बच्चों स्क्वायर कर दो तो ये क्या बन जाएगा, वेरियंस बन जाएगा, या सुनो, तो वेरियंस क्या हो जाएगा, लेस देन बी माइनस ए का होल स्क्वायर, लेस देन इक्वल टू, है ना। तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, समझ गए, क्लियर है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। सभी का क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। देखिए हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, और जो 100 ऑब्जर्वेशंस हैं बच्चों वो क्या है, मान के चलो जो 100 ऑब्जर्वेशंस हैं अभी हमारे वो हैं 101, 100, 0 और डॉट डॉट कहाँ तक है, 200 तक हमारे ऑब्जर्वेशंस थे। तो बच्चों इन ऑब्जर्वेशंस का जब हम लोगों ने वेरियंस निकाला इस ए ऑब्जर्वेशन का, तो वेरियंस क्या आया, कितना आया, वी है, वी है, अच्छा इसका वेरियंस जो है वो वी है, राइट। इस ऑब्जर्वेशन का नाम मान लो इसने एक्स ए दिया है, क्या दिया, ए। ऐसे ही बी ऑब्जर्वेशन एक लिया, इन्होंने बी पॉपुलेशन लिया, ऑब्जर्वेशन लिया है, उसमें देखा जाए तो 151 से स्टार्ट है और 152 करते हुए कहां तक है बच्चों, 250 तक। तो गौर से देखो हर एलिमेंट में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 50 का। मतलब अगर हर एलिमेंट में 50 का इंक्रीमेंट कर दें तो आप जानते हैं इसका जो वेरियंस होगा वो भी वही होगा जो बी ए था। मतलब दोनों का डिवीजन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी कि आंसर 1 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निमसेट में भी पूछा जा चुका है और एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। सर आज का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट बहुत अच्छा था, थैंक यू सर, अच्छा था भाई मतलब बढ़िया चले, है ना। प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी टेस्ट देते टाइम, कुछ भी दिया है किसी बच्चे ने एग्जाम देते टाइम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी ना। चले अगला क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी लोग, बहुत आसान प्रॉब्लम है, आई थिंक सारे बच्चे बना सकते हैं। 10, 25, 10, 15, 10, 15, 10, 50, 10, 25, 10, 50, बताएं आंसर क्या आएगा। बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, जल्दी से ट्राई करें। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको डायरेक्ट एग्जाम में देख सकते हैं, हम हर तरीके के प्रॉब्लम आपके सामने लेके आ रहे हैं। बताएं आंसर क्या आएगा इसका, देखें बनाएं बताएं। देखो अगर थोड़ा गौर से अगर देखा जाए यहां पे, तो हमें 10-50 दिख रहा है ना, तो 10-50 डिग्री को तुम क्या लिख सकते हो, क्या 90-50 लिख सकते हो, सॉरी क्या लिख सकते हो, कॉट 90-50 लिख सकते हो, या सुनो, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, 10-50 बोल देंगे। तो 1/1 में क्या हो जाएगा, ये
अरे कॉट 40, हाँ 40 कर लो, सही तो है, सही लिखा है, कॉट 40 एक्चुअली है ना, कॉट 40, तो नीचे क्या आ जाएगा 1040, राइट, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 1050, क्यों आएगा यार 40 आएगा यार, कमाल कमाल, 1050 क्यों क्या लिख सकते हो, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कितना होता है, तो यही तो लिख सकते हो उसको, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉट 40, इसको क्या बोलेंगे 10 2515, राइट, बोलो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, आप ऊपर समझ रहे हैं इसका फॉर्मूला लगेगा, तो ऊपर पहुंच जाएगा 10 25 10 15, अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों 10 25 और 10 15, यहाँ पे कितना है 10 50, देखो आंसर आ चुका है आपका, मल्टीप्लाई करो आपका 10 50 10, देखो 10 50 10 25 मिल गया, 10 50 और 10 25, अगला 10 50 और 10 15 भी मिल गया, और ये माइनस वाला भी इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 10 15 और 10 25, आंसर कितना आ जाएगा, वन बचा रह जाएगा, यानी कि वन आंसर आ जाएगा, मेरी बात समझ में आ रही है सभी को, क्या बेटा, अरे ये तो गड़बड़ मुझसे लगा, क्या 40 है ये तो, वो तो नीचे नहीं पहुंचाया मैंने, 40 है ना, समझ में आया, अब इसका एक तरीका समझ सकते हो आप लोग, डायरेक्ट हमेशा याद कर सकते हो, राइट, मान लो अगर आपको एक ऐसा दिया जाए 10 थीटा 1, 10 थीटा 2, 10 थीटा 2, 10 थीटा 3 और 10 थीटा 3, 10 थीटा 1, ठीक, क्लियर, और अगर आपको ये पता हो कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 और प्लस थीटा 3 कितना है 90 डिग्री है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1, आप आगे से हमें याद कर लो, कभी भी दो दो 10 का प्रोडक्ट आ जाए और वो प्रोडक्ट का सम जब करें तो कितना आ जाए 90 आ जाए, जैसे देखो 25 15 40 और एक क्या 50, 40 और 50 90 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनाएगा, आगे से याद रहेगा इस तरीके का प्रॉब्लम, यस और नो, मतलब अगर एक और प्रॉब्लम मैं इस पे बेस दूं आपको सेम ऐसा प्रॉब्लम, आप आंसर बताएं क्या होगा, टेन टेन और 10 15 प्लस 10 15 और 10 65, 10 65 और 10 10 क्या आंसर आएगा, बनाएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो, 10 और 15 25, 25 और 65 90, इसका मतलब इनका सबका सम क्या होगा 90 होगा, करना कुछ नहीं है, सेम जैसे यहाँ पे पैटर्न लिखा है ऐसे करना है, हमें एक को उधर भेज देंगे थीटा 1 प्लस थीटा 2 को यहाँ रखेंगे, 90 माइनस थीटा 3, दोनों साइड 10 ले लेंगे या कॉट ले लेंगे, हो जाएगा सॉल्व, कर लिया, समझ आ गया सभी को, याद रहेगा आपसे, चलो तो याद रखना इस प्रॉब्लम को, ठीक है, छोटी प्रॉब्लम है बट आसान है, इस तरीके के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, अगला क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत आसान है, किया हुआ है कॉट ए बाई 2 माइनस 10 ए बाई 2 को क्या बोलते हैं, याद है ना, कॉट ए माइनस 10 ए को क्या बोलते हैं, पढ़ाया था मैंने, इसको तो भूलना ही नहीं है आपको, सपने में भी नहीं भूलना है, ठीक है, अगर कोई आपको सो के जगह पूछे सर कि बताओ कॉटे माइनस कॉटे कॉटे माइनस 10 क्या होता है, तो आंसर क्या आएगा, क्या आंसर आता है, 2 कॉट माइनस माइनस भी आता नहीं आता है, नहीं प्लस आता है, 2 कॉट 2 है ना, 2 कॉट 2 आएगा ना बेटा, इसका आंसर क्या है, बाई 2 है तो क्या हो जाएगा 2 कॉटे, सो राइट आंसर विल बी 2 कॉटे, राइट, राइट आंसर विल बी 2 कॉट ए, ये समझ आ गया सभी को, एक बार सभी लोग बता दें, क्लियर है, चलें अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, ट्राई करें, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेटिस्टिक्स सेट पीएनसी है ना, एफओएम प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक मैंने कराए हैं, इस पे बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ
टेस्ट में आप लोगों को दे रहा हूँ, इनसे क्वेश्चन आप गलत ना करें, ये मेरा सजेशन है आपको, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छे से करें, है ना, जितनी भी चीज़ें करें बहुत अच्छे से करें। और एक्म अकेडमी फिर से तुम्हारे लिए कुछ कुछ सरप्राइज़ लेके आता रहेगा, ठीक है। जो भी बच्चे आप लोगों के कोई कांटेक्ट में है लखनऊ सेंटर पे ज्वाइन करना चाहता है तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्मे इज इन लखनऊ ऑल्सो, राइट, लखनऊ सेंटर। और ये तो कोई बिल्कुल सोची नहीं कि सर कौन फैकल्टी पढ़ाएगा, राइट, बिल्कुल फैकल्टी वही होगी जो रायपुर में फैकल्टी है, एज इट इज़ फैकल्टी है विथ मी, राइट, रीजनिंग मैथ कंप्यूटर इंग्लिश सारी फैकल्टी सेम है और प्रॉपर पढ़ाएगी, ठीक है, पढ़ाई में कहीं कोई कमी नहीं। दो सेंटर क्या, अगर हमारे 10 सेंटर भी होंगे तो पढ़ाई में कभी किसी को कमी नहीं होने देंगे, ठीक। बहुत आसान है आई थिंक, ठीक है। इन दोनों में लगा देते हैं ना, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाएगा, 2, किसी में भी लगा लो, इट्स योर चॉइस, पहले दूसरे में लगा दें, पहले दूसरे में लगा दो, क्या हो जाएगा, 2 कॉस दोनों का एडिशन बाई 2 यानी कि 60, और साइन नहीं सॉरी कॉस 20 माइनस कॉस 20, राइट, आप समझ गए, ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 और कॉस 20 से कॉस 20 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, नोट कर लें, कॉस 20 से कॉस 20 भी कैंसिल, 0 आंसर, यस 0 इज द राइट आंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी अलग हैं, हटके हैं और इजी लग रहे होंगे आपको, बट इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, ये क्वेश्चन तो शायद सब लोग जानते हैं, पेड़ में डाल देना, पेड़ पौधों में ना, पेड़ पौधों में डाल देना इस पानी को। समझ में आ गया सभी को, 65 आएगा। क्लास का कंबाइंड, सॉरी 100 लोगों की क्लास है, 70 बॉयज है, उनका एवरेज कितना है, तो 70 बॉयज का एवरेज 75 हो गया। एवरेज मार्क्स ऑफ द कंप्लीट क्लास है 72, कंप्लीट कितना है 72, तो जो 30 बच्चे होंगे गर्ल्स उनका कितना निकालना है, गर्ल्स का निकालना है, मान लो टोटल कितना है 100, तो 100 इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर भेज दो क्या हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, एक्स बार, एक्स बार क्या है हमारा, एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज, एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कंबाइंड मीन, इज दिस क्लियर। कैसे सॉल्व करेंगे, 30 से डिवाइड कर दें और 3 से डिवाइड और कर दें, कितना आएगा 24, बोलो 240 होगा बच्चों, और जब इसको कट करेंगे तो 25 थे 75, राइट, तो 240 में से कितना जाएगा 175, कितना बचेगा 65, ठीक है। सो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आसान है, बहुत आसान है, इसका आपको सीट भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे एक्मे के, आप उसे फॉलो करते रहें। V is variance, M is mean of first natural number, then V plus M square क्या होगा, बहुत आसान है, V variance है, M mean है, first 50 natural number, तो V square plus M square क्या होगा, सॉल्व करें सभी लोग, सॉल्व करें बच्चों, वेरी इजी, जल्दी फास्ट सॉल्व करें, थोड़ा कैलकुलेटिव है ये मैं बोलूंगा, बट इतना समय नहीं लगना चाहिए ये नहीं बोलूंगा, ठीक है। देखो वेरिएंस क्या होता है, पढ़े हो ना, एन स्क्वायर माइनस वन बाई कितना 12, और मीन क्या होता है,
एन प्लस वन बाई टू है ना, क्योंकि एन एन प्लस वन बाई टू होता है तो एन से एन कैंसिल हो जाता है, एन प्लस वन बाई टू। अब 15 चाहिए तो 15 में से 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, ये बैरियस हो जाएगा ना बोलो, और इसका स्क्वायर करना ना एम का बोलो, ये तो वी और यहाँ पे क्या एम स्क्वायर चाहिए आपको, बीच में प्लस चाहिए प्लस, तो प्लस में कितना हो जाएगा 16 बाई टू का स्क्वायर राइट, ये कितना हो जाएगा 224, यस और नो, माइनस 12 अपॉन 12 इधर कितना बचेगा 8, एलसीएम ले लो 12 एलसीएम आएगा, 224 में से 96 जाएगा, 96 जाएगा कितना बचेगा 8, और यहाँ पे 2 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर, सॉरी मिस्टेक 64 हो जाएगा नहीं, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर है अभी, जरा बताएं एक बार, बीच में प्लस है ना, ठीक इतना क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे, इसको कट करें, 3 4 जा 4 से कट कर दे, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20 कितना जा 4 से कट कर रहे हैं ना, 6 आएगा ना 56, और भी कटेगा क्या, तो 56 प्लस में इस अपॉन 3 प्लस 64 190, 56 प्लस 192 अपॉन में 3 क्या आ जाएगा 248 बाई 3 राइट, आसान है आई थिंक, क्लियर है बच्चों, 248 बाई 3 इज द राइट आंसर, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करें सभी लोग इस तरीके के प्रॉब्लम्स को है ना, थोड़ा नया है, फर्स्ट टाइम मिला होगा इस तरीके का, बट आप ध्यान रखें, अगला क्वेश्चन ट्राई करें, इट इज़ वेरी इजी। देखें, मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज 50, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10, 5 एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, 5 ऐड कर रहे हैं तो नया मीन 5 एड इंक्रीज हो जाएगा तो 55 हो जाएगा, और वेरियंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 10 ही रहेगा, तो 55 और 10 आंसर हो जाएगा, खत्म। अगर हर एलिमेंट में कुछ ऐड कर देते हैं डेटा, जो भी हमें ऑब्जर्वेशन दिया गया है, अगर हर एलिमेंट में बेटा कुछ ऐड कर दूं तो उसके मीन में भी वो ऐड हो जाता है, और वेरियंस में स्टैंडर्ड डेविएशन में और मीन डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीन मीडियन और मोड में ऐड और सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको मीडियन निकालना है, सभी लोग निकालेंगे है ना, एकदम आलस में नहीं चले जाएंगे इसको देखकर टेबल, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे, एकदम आलस में मत चले जाओ, फसल एकदम कोमा में चले जाओ, अरे टेबल है सर, 2020 का पेपर उठा के देखना, टेबल आई थी है ना, टेबल भी एग्जाम में आती है, जल्दी आंसर करें सभी लोग, बनाया, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, मतलब मोस्टली बच्चे ए ही बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, लेट्स सी,
देखिए एक बार क्या दिया है। देखो बेटा ये हमारा अरेंज है क्या ऑर्डर, देखो डेटा का अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सीधा क्या निकालेंगे सी एफ एस और कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। 3 जीरो का तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 33 ना, अच्छा 14 है, सॉरी 3 इसमें ऐड किया 15, इधर कितना आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 120, यहाँ पे 231 और यहाँ पे 240 राइट। तो टोटल एन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 240, तो एन बाई 2 निकालो कितना आएगा, कितना आ रहा है 120 आ रहा है, तो कौन सा आएगा, यही आएगा दोनों बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। समझ गए ना, क्लियर है, यस और नो स्टूडेंट्स। यहाँ तक क्लियर सबका, चले अगला क्वेश्चन करेंगे ट्राई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करें समझ सोच का आंसर करने क्या आएगा। सॉल्व करें, थोड़ा सोच समझ के आंसर करना। समझ सोच के आंसर करें, सोच लिया, देखें क्या दिया क्वेश्चन, कॉस थीटा सेक थीटा कैन नेवर बी इक्वल 1.5, इज इट ट्रू और नॉट ट्रू, बताएं जरा, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, अगर मैं देखूं कॉस थीटा की वैल्यू 180 तो क्या हो जाएगा -2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -2 से बड़ी और ग्रेटर देन राइट, तो 1.5 इज पॉसिबल, सो 1 इज नॉट करेक्ट, इज दिस क्लियर, किस पे, और समझ गए हो थीटा इक्वल टू क्या, समझ गए ना, और टेन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलो,
ये भी तो हमारा माइनस टू से बड़ा हो सकता है, कैन नेवर बी लेस देन टू। अगर थीटा 135 लें तो कॉट कॉट की वैल्यू, टेन की वैल्यू क्या होती है? माइनस वन। और कॉट की वैल्यू तो क्या हो जाएगा? कैन नेवर बी लेस देन टू। गलत है भी? ये भी गलत है। बोथ टू बोथ रॉन्ग, ऑप्शन डी बोथ रॉन्ग, गलत है। दोनों गलत राइट? क्यों भाई, सही है कि नहीं है? दोनों गलत है। वो पॉजिटिव नंबर के लिए होता है। यहाँ पे तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव की कुछ बात ही नहीं की ना। स्क्वायर कर देगा तो अलग बात है, स्क्वायर कर दे तो अब हो जाएगा ये ट्रू, या ऊपर वाले में स्क्वायर कर दो तो ट्रू हो जाएगा। और अभी तो नेगेटिव भी जा सकता है ना। अगर थीटा को ले तो 135, तो इसकी वैल्यू माइनस वन, इसकी वैल्यू माइनस वन, तो वैल्यू क्या जाएगी? ठीक है ना, दोनों सही है। क्या कैन नेवर बी, कैन नेवर बी लेस देन, क्या पढ़ो ना क्या लिखा है, ये कभी भी टू से छोटा, हमें तो बता तो दिया तुमको, थीटा इज इक्वल टू माइनस 145। थीटा 145 पे क्या होगा इसकी वैल्यू? 135। क्या वैल्यू होगी इसकी? क्या वैल्यू हो गई? तो टू से छोटी नहीं है, गलत हो गई कि नहीं होगी बात? सारी बात तो गलत हो रही है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, ट्राई करें सभी लोग। नहीं सर आप सही बोल रहे हैं, मैं कंफ्यूज था। अच्छा ठीक है समझ गए। टू वर्टिकल पोल्स हैं, इतने मीटर पे सेपरेटेड हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, हाइट ऑफ देयर इंटरसेक्शन लाइंस जॉइनिंग द टॉप ऑफ द फुट। हाँ 80 और यहाँ पे 20 है ना, क्या करना है इसको? टू वर्टिकल पोल्स हो गए 20 का और 80 मीटर आगे क्या बोला गया है? टू वर्टिकल पोल 20 मीटर 80 मीटर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ द ईच पोल, ये सॉरी ये पूछा गया। क्या फॉर्मूला? क्या ये पूछा है आपसे? क्या फॉर्मूला? क्या है बताओ? तो क्या करते हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई अपॉन टू एक्स प्लस वाई ना, क्या था? टू एक्स वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई था ना, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई करें कितना आ जाएगा? 20 इंटू 80 अपॉन में 100, कितना आ जाएगा आंसर? 16 है ना। तो ये डायरेक्ट एक तरीका होता है, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन सेम आ जाए, ठीक, दो हाइट का अलग अलग डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे, ये मान लो h1 हाइट है, ये h2 हाइट है आपकी, या x1 x और y हाइट ले लेते हैं हम, ये x है ये y है, तो ये हाइट अगर कोई आपसे पूछ दे तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, ठीक। और दूसरा तरीका, अगर इसको हाइट एंड डिस्टेंस से बनाएंगे, ट्राई करो। हाइट एंड डिस्टेंस से कैसे बनाएंगे बोलिए जल्दी से, क्या करेंगे सबसे पहले बोलो जल्दी से? डिस्टेंस ट्रिंगल बाई ट्रिंगल करना पड़ेगा, पहन दो, लंबा ही जाएगा, थोड़ा सा 2-3-4-5 लाइन लगता ही है ना, तो बेटर होगा आप इसको याद कर लें डायरेक्ट रिजल्ट को, डायरेक्ट आप याद कर लें, ज़्यादा बेटर होगा इस ट्रिक को, ठीक है समझ गए। दो हाइट दिया जाए, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाए, आप इसको सॉल्व करें, मैंने सॉल्व भी कराया था सर याद होगा क्लास में ना, बट आप लोग इसको कर लें, जो चीज़ डायरेक्ट याद करने वाली है उसको डायरेक्ट करें,
काफी अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं फॉर्मूला। चलो बताएं मुझे स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। स्मॉल आर का फॉर्मूला बताएं जल्दी से, स्मॉल आर का फॉर्मूला, कैपिटल आर का फॉर्मूला, और फिर करें डिवाइड। बिल्कुल सही आंसर सी होगा। एंटी वायरस प्रोटेक्शन के लिए आता है हमारे में। ये फॉर्मूला नहीं होता है अनुराग, पॉलिनोमियल में लिखाया था मैंने। पाई बाई एन क्या होता है, याद करो। ए बाई टू इसका, ए बाई टू कॉट, और कैपिटल आर ए बाई टू, और लिखाया होगा चेक करो। आर का वैल्यू ए बाई टू कॉट पाई बाई एन, और स्मॉल आर का वैल्यू ए बाई टू कॉट पाई बाई एन, और कॉट उसका बोले सेक का क्या होगा, कॉस पाई बाई एन, कॉसेक पाई बाई एन, सही है ना। अब दोनों का कर दें क्या डिवाइड, तो आर अपॉन आर क्या हो जाएगा, जल्दी बोले। तो ए बाई टू से बाई टू कैंसिल हो जाएगा बेटा, कॉसेक को लिखोगे तो क्या बन जाएगा, कॉस बाई साइन, इसको लिखेंगे अपॉन में क्या हो जाएगा, वन बाई साइन, तो वन बाई साइन कैंसिल, क्या बचेगा कॉस पाई बाई एन। मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो कॉस पाई बाई एन में जो भी हमारा पॉसिबल होगा वो रहेगा। जैसे वन बाई टू के लिए क्या हो जाएगा जरा बताएं, एन को क्या होना पड़ेगा, अगर ऑप्शन ए हमारा तो एन को क्या होना पड़ेगा, थ्री, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, वन बाई टू, तो पॉसिबल है ये। रूट टू के लिए एन को क्या होना पड़ेगा, फोर, ये भी क्या है हमारा पॉसिबल है ना बेटा। अच्छा अब ये टू बाई थ्री देखते हैं, तो टू बाई थ्री इसके अंदर आता कि नहीं आता, जल्दी बोलो। टू बाई थ्री क्या कॉस की वैल्यू टू बाई थ्री पॉसिबल है, कॉस की वैल्यू टू बाई थ्री पॉसिबल तो है, बट वो सही एंगल पे पॉसिबल है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा आपको। ऐसे रूट थ्री बाई टू पता है मुझे, एन की वैल्यू किस पे आ जाएगा, सिक्स पे, सिक्स पॉली, सिक्स साइड्स हो सकती हैं भाई, किसी पॉलीगन के अंदर हमें सर्कल ड्रॉ करना होता है, याद है ना, तो सिक्स साइड का पॉलीगन हो सकता है रेगुलर पॉलीगन तुम्हारा, समझ गए बच्चों, उसके अंदर सर्कल हो सकता है या उसके बाहर सर्कल हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। बट इस केस में हमारा आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा जल्दी बोलो, क्योंकि इस केस में ये वैल्यू तो आएगी बट किसी ऐसी एन पर आएगी जो जिसका नंबर ऑफ साइड्स पॉसिबल नहीं होगा। इंटीजर्स होना चाहिए, एन शुड बी इंटीजर्स, एन शुड बी इंटीजर्स लिख लेना, क्या एन यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटीजर्स भी नहीं है, नेचुरल नंबर्स होना चाहिए, एन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, साइड्स है ना, तो साइड्स क्या हो सकती है, हो सकती है थ्री फोर सिक्स पॉसिबल है, यहाँ पे पाई बाई टेन का फॉर्मूला भी आ जाए तो भी पॉसिबल है, दस साइड हो सकती है, बट टू बाई थ्री में नहीं पता मुझे क्या आएगा, राइट, कोई ना कोई वैल्यू आएगी निकल के, बट एन की वैल्यू हमारी एक नेचुरल नंबर नहीं होगी, आ रही होगी मान लो 4.8, तो 4.8 साइड हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, समझ गए। ये फॉर्मूले जरूर याद कर लेना दोनों, कैपिटल आर और स्मॉल आर का बच्चे है ना भूल जाते हैं, क्योंकि आर प्लस आर अच्छे हैं, मतलब थोड़ा क्या होता है यूज कम होता है, कभी कभी क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग भूल जाते हो, बट फिर भी डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखें, आर प्लस आर को भी याद करके रखें, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, है ना, फॉर्मूला निकलवाया है मैंने, सम ऑफ द रेडियस, डिफरेंस ऑफ द दोनों की रेडियस, एक को बोलते हैं इन रेडियस, एक को बोलते हैं सर्कम रेडियस, ठीक है, दोनों के फॉर्मूले याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, बोल देगा एक पॉलीगन है और मान लो उसकी साइड दी गई है 2 सेंटीमीटर, कितना 2,
और सिक्स नंबर ऑफ साइड्स उसमें कितनी, सिक्स हेक्सा, मान लो बोल दिया उसने एक रेगुलर हेक्सागन है तो कितने साइड्स हो गए, सिक्स, और साइड कितनी है इसकी, टू, तो बताओ उसके अंदर कितनी जो सर्कल आएगा वो किस रेडिया, उसका एरिया क्या होगा, उसके इन सर्कल का एरिया क्या होगा, बताओ आंसर कैसे निकालोगे, व्हाट इज द एरिया ऑफ इन सर्कल, व्हाट इज द एरिया ऑफ इन सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ टू साइड्स, तो आपको बोल दिया गया बेटा साइड्स कितनी दी गई, जल्दी बोलो, टू दी गई ना, सारी साइड्स टू हो गई, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर सर्कल लेना है तो सिक्स साइड्स हो गई, एन की वैल्यू सिक्स, आर की वैल्यू आर निकालना है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए बाई टू यानी कि टू बाई टू कॉट पाई बाई सिक्स, कैंसिल कितना आ जाएगा जल्दी बोलो, रूट थ्री आ जाएगा, तो रेडियस रूट थ्री, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, थ्री पाई, तो एक क्वेश्चन आ सकता है, निम्नसेट 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है इस पर, याद है आप लोगों को, निम्नसेट 2016 में इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखें आप लोग इस प्रॉब्लम को, ठीक है, तो ये सब भूलें ना, बिल्कुल भी ना भूलें, किसी भी सिचुएशन में ना भूलें। चले ये क्वेश्चन हो गया हमारा, अगला करेंगे, माउंटेन को देख रहे हैं सभी लोग, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे, बनाएंगे आप सभी लोग, अब सभी लोग ट्राई करें, सॉल्व करें, दिस इज योर माउंटेन, है ना, अगर ये हमारा मान लो माउंटेन का टॉप है तो इसे 45 से देखा जा रहा था, राइट, बट किससे चला गया इस पर, 30 से चला, और 2 किलोमीटर जब वो चल गया यहाँ पे 2 किलोमीटर 30 की स्पीड, 30 के एंगल पे ये वाला एरिया, तो यहाँ से अब वो चीज़ चेंज हो गई और कितना हो जाएगा, 60, ये हो गया उसका 60 चेंज, ये दिया हुआ है एच आपको, क्लियर, इसको हम लोग पूरे को दो पार्ट में मार देते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस को, इसको हम लोग मान लो मान लेते हैं क्या, एक्स और वाई है ना, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया फॉर एग्जांपल, ठीक, अब सॉल्व करना है आप लोगों को, देखो अगर मैं पहले पूरे में लगाऊं तो क्या बनेगा फॉर्मूला जल्दी बताएं, टेन 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, या मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ, दो वेरिएबल ले लेता हूँ, है ना, इसको कैपिटल एच ले लूँ, यहाँ पे पूरे को, इसको इतने को स्मॉल एक्स ले लिया और इसको हम लोगों ने बाई ले लिया फॉर एग्जांपल, पूरा हमारा कैपिटल एच है, राइट, पूरा कैपिटल एच है हमारा, ये हमने स्मॉल बाई ले लिया, कितना बाई ले लो, पूरा ले लो भाई, ठीक है यहाँ तक, चलो समझते हैं थोड़ा सा, तो 1045 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच प्लस नहीं एच अपॉन वाई, तो एच इक्वल टू वाई हो जाएगा, ये चीज़ क्लियर है, मतलब एच और वाई हमारा दोनों बराबर हो गए, अब हम लोग इस ट्रेंगल में लगाते हैं, इस ट्रेंगल में, तो इस ट्रेंगल में हमें ये 2 किलोमीटर दिया है और ये 30 दिया है, तो हम ये निकाल सकते हैं, इसलिए ये डिस्टेंस निकलाएगी, बोलो कैसे निकलेगी, और ये भी निकलाएगी, दोनों निकल सकते हैं इस ट्रेंगल से, बैठा है ना, एक बार अगर मैं साइंस 30 लगाऊं तो क्या हो जाएगा, साइंस 30 लगाऊं तो पी बाई एच ये पार्ट आ जाएगा, तो पी मतलब मैंने चलो उसको ही मान लिया पी बाई टू, तो इसकी वैल्यू 1/2, तो पी बाई टू, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो ये हमारा 1 मीटर हो गया, 1 किलोमीटर हो गया, व्हाटएवर, है ना, और एक बार मैं कॉस 30 लगाऊं तो कॉस 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, बोलो बाई अपॉन है ना, इतना पार्ट है ना, बी मान लें इसको बेस, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन कितना, 2, तो इसको रूट 3/2 इक्वल टू, तो बी कितना आ गया, रूट 3 आ गया, तब आपको ये भी पता चल गया, तो ये वाला पार्ट भी कितना बचेगा हमारा, एच माइनस रूट 3, ये एच माइनस रूट 3 हो जाएगा, ये वाला पार्ट रूट 3 हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक, अब चलो हमें क्या करना है, इस वाले में लगा दें, इस 60 वाले में लगा देते, तो 1060 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बन, तो एच माइनस 1 हो जाएगा और अपॉन में एच माइनस, बस अब आंसर आ जाएगा ना, तो रूट 3 इक्वल टू एच माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, रूट 3 एच माइनस 3 इक्वल टू, तो रूट 3 एच माइनस एच इक्वल टू 2 हो जाएगी,
एच कॉमन लोगे तो टू अपॉन में रूट थ्री माइनस वन, तो टू अपॉन में 1.7 इसका होता ना, तो 0.732। अब इसे कैंसिल करो, क्या आ रिसलाइज कर दो इसको, रिसलाइज कर दोगे तो रूट थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, देखो कौन सा, ये दोनों टू कैंसिल हो जाएगा, तो 2.732। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है यार, है ना, लिख सकते हो, काफ़ी स्टार बना के लिख लो, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन लिख लो, है ना, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक, मतलब लैंग्वेज आपको पहले समझनी पड़ेगी, लैंग्वेज जब आप इसकी समझेंगे तब इसके आंसर्स निकाल पाएंगे। नोट करें, घर जा रहा है भाई, माउंटेन पे चढ़ना है उसको, माने उसका चढ़ने का, तो समझ में आया सभी को, तो काफी बढ़िया और प्यारा सा प्रॉब्लम है यार ये, समझ आ गया सभी को, एक बार अप्लाई करें, ठीक है। माउंटेन का टॉप यहां पे था, ऐसे चढ़ना था उसको पर्वत पे 45 से, बट उससे किससे चलता है वो 30 से चढ़ता है, बट थोड़ी देर बाद उसने देखता है कि अभी कितना चलना है, तो 60 से चलना है, राइट, तो आपको एच निकालना था, तो पूरा कैलकुलेशन करके आपने फाइनली आंसर निकाल लिया है, और ये क्वेश्चन काफी दमदार था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, फटाक से करें सभी लोग, बनाएं अगला क्वेश्चन फिर से, सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट, बहुत आसान है। हो गया, देखें बहुत आसान है बच्चों, ये टू टेन इनवर्स में दिया है, तो मैं इसमें किसमें बदलना पड़ेगा इसको, टेन इनवर्स है, फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बोले, टेन इनवर्स आगे टू टेन ए यानी टू ए अपॉन में 1/3 है ना, 1 - 1/9, राइट, तो 10 और 10 इनवर्स तो कैंसिल ही हो जाएगा, आपको पता है 2/3 अपॉन में 8/9, तो 1/4 आंसर आ जाएगा, सॉरी 3 बचेगा ना, 3/, तो उसको और कर लेते हैं, चलो थोड़ा सॉल्व, 10 और अंदर क्या है 10 इनवर्स, ये 2/3 है और ये कितना हो जाएगा 9/8, तो 3 और ये 4, 3/4, तो 3/4 आंसर आ जाएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का बेसिक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर करें, सोच समझ के आंसर करना, डायरेक्ट आंसर मत बोल देना, 0.8 लिखा हुआ है वहाँ पे, करें आंसर, बाहर दिया है कॉस, अंदर दिया है 2 cos inverse 0.8, फटाफट आंसर करेंगे। करें आगे, बोले सभी लोग, क्या करेंगे जल्दी बोलो बच्चों, सबसे पहले आपको एक चीज समझना है, यहां पे है 2 cos inverse, तो इसको मैंने एक बार याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था इसको, इसको ही आप क्या मान लो, कोई एंगल मान लो, है ना, इसको ही आपने क्या मान लिया, थीटा, तो आप समझ गए कॉस इनवर्स 0.08 की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा बाई टू, तो कॉस थीटा बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो, कॉस थीटा बाई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0.8,
हमें चाहिए क्या है, थीटा, किसके टर्म में, कॉस के टर्म में, थीटा चाहिए किसके टर्म में, कॉस के टर्म में, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बोलो, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बोलो बच्चों, बोलो, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, कितना हो जाएगा, टू इंटू पॉइंट एट का होल स्क्वायर माइनस वन, कितना आ जाएगा, टू इंटू पॉइंट सिक्स फोर माइनस, कितना आ जाएगा, कितना बेटा, कितना आ रहा है, पॉइंट टू एट, ये पॉइंट टू एट आ गया, बोलो, तो ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, अगर ध्यान से देखें तो हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, हमें थीटा की वैल्यू रखनी है वहाँ पे, और ये किसकी वैल्यू आई, कॉस थीटा की, तो रख दें, थीटा क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, कॉस इनवर्स पॉइंट टू एट, अब इसको उठा के वहाँ रख दें तो क्या बन जाएगा, कॉस बाहर अंदर क्या बचेगा, कॉस इनवर्स और पॉइंट टू एट, आपको पता है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा, पॉइंट टू एट, क्लियर है सभी का, आसान है, समझ आया सभी को, 0.28 will be the right answer of this question. ठीक है ना बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, आंसर करें, आंसर बताएं सभी लोग, आ गया, देखें देखें क्या दिया हुआ बेटा यहां पे हमें, टेन और अंदर दिया हुआ है टू टेन इनवर्स माइनस पाई बाई फोर, तो क्या लिखना चाहिए कायदे से यहां पे अंदर देखा जाए तो बेटर क्या होगा, इसको टेन इनवर्स में लिख लो, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स में जल्दी बोलो, टू इंटू अपॉन वन माइनस, ये हो जाएगा, बट माइनस में क्या लिख देंगे इसको, लिखना पड़ेगा, तो 10, अब इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको क्या आएगा 10 बर्स में 2 बाई 5 इंटू में 25 बाई 24 राइट, माइनस में 10 बर्स पर 10 इन बर्स, क्या बचा बच्चों जल्दी बोलो, 10 है ना बाहर, तो क्या बचा 10 इन बर्स, आगे बोलो 5 बाई 12 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 5 बाई 12 इंटू, यस और नो, ये दोनों कैंसिल, माइनस का 7 बाई 12 इंटू में 12 बाई 17, माइनस 7 बाई 17 आंसर हो जाएगा, आ गया समझ सभी को, माइनस 7 बाई 17 विल बी द राइट आंसर, सभी का क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, समझ आ गया सभी को अच्छे से, ग्रेट, अगला क्वेश्चन करेंगे, ये भी काफी अच्छा है, तो बस आपको ये देखना है कि क्या सेटिस्फाई करेगा, या सुनो बन रखते हैं तो भाई साहब ये तो अलग बातें हो रही होगी, ज्यादा बेटर क्या है, जीरो जीरो रखेंगे तो टेन बर्स वन, और टेन बर्स वन पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर इक्वल टू पाई बाई टू, खत्म, कुछ नहीं करना, आंसर क्या है, जीरो, तो कभी कभी हम लोग डायरेक्ट सेटिस्फाई भी इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, टेन बर्स ए प्लस टेन बर्स बी का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, टेन बर्स को उधर भेजेंगे तो टेन पाई बाई टू हो जाएगा,
फिर पूरा सॉल्व करेंगे राइट, आंसर वही आएगा क्या एक्स का वैल्यू, कॉट में भी कर सकते हो चलेगा, आप इसे कॉट में बदल दो, वन अपॉन में होगा, दोनों दोनों बराबर होंगे, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा वन, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा जीरो, तो एक्स क्या हो जाएगा जीरो, राइट, जो चाहो आप वो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग, सेम है ये एक्स बाई फाइव है, ये कॉसेक लिखा हुआ है, इसको पलट दें तो क्या बन जाएगा ये, इसको बदल दें साइन में, सॉरी यार क्या करूँ, इसको कॉसेक बदल दें ना, कहीं कुछ भी कर लो यार, इसको कॉसेक बदल दूँ, तो कॉसेक बेटा तो फाइव फाइव ही है और फोर ही है, ये थ्री हो जाएगा, तो कॉस में क्या बन जाएगा ये जल्दी बोलो, कॉस इनवर्स, तो ये वाला और ये वाला बराबर होना चाहिए, तो एक्स का वैल्यू थ्री होना चाहिए, क्लियर है, दोनों बराबर होना चाहिए, तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए थ्री, आसान एकदम, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सेम प्रॉब्लम है, कराया हुआ है, निम्न सेट में भी आ चुका है क्वेश्चन, भाई ये टेन इनवर्स में, ये साइन इनवर्स में, ठीक, तो पहला तरीका तो क्या है हमारे पास, कब इसको किस में बना दें, कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लें, तो कॉस इनवर्स में कैसे होगा जल्दी बोलो, ये हमारा क्या है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये वन है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में वन, सॉरी ये वन है, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स प्लस, इस दोनों का एडिशन राइट, तो कॉस इनवर्स में क्या बन जाएगा पहला वाला वन अपॉन में अंडर रूट, और ये दिया हुआ साइन इनवर्स, एक फॉर्मूला तो पढ़े हम लोग क्या, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होता है पाई बाई टू, तो दोनों बराबर होते हैं उस केस में थीटा, तो ये दोनों बराबर होंगे होने चाहिए, दोनों को इक्वल करोगे आप, ये निम्न सेट में दो बार आ चुका है क्वेश्चन, ये सुनो निम्न सेट में दो बार आ चुका है क्वेश्चन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की वैल्यू जीरो नहीं वन, तो एक्स कॉमन एक्स प्लस वन की वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू जीरो और माइनस वन, सेट्सफाई देखेंगे जीरो रख के हो रहा है, जीरो रखो क्या आ जाएगा वन पाई बाई फोर आ जाएगा, जीरो रखो क्या आ जाएगा वन पाई बाई, जीरो रखो क्या आएगा जीरो, और जीरो रखो क्या आएगा वन, तो जीरो प्लस पाई बाई टू हो गया सेट्सफाई, अब माइनस वन रख के देखो तो ये क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ रखो माइनस वन वन आएगा पाई बाई टू, सेट्सफाई हो रहा है, दोनों सेट्सफाई कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू, और कोई एक्स की वैल्यू पूछे तो आंसर क्या आएगा हमेशा, तो याद करके रखो आंसर जीरो माइनस वन होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको डायरेक्ट हिट हो सकता है और इसके हाई चांसेस हैं, क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ें, तो एक हम लोगों को सेशन अभी उस पर भी रखना है, किस पे, इंटीग्रल कैलकुलस पे है ना, इंटीग्रल कैलकुलस वाले पार्ट को करना है निम्न सेट में, कब रखा जाए संडे, सैटरडे संडे में रख लेंगे है ना, इंटीग्रल कैलकुलस आप लोग रिवीजन करके रखें, इस सैटरडे संडे में पूरा करा देंगे हम आपको, डेफिनेट इंटीग्रेशन इंटीग्रल कैलकुलस निम्न सेट पी वाई क्यू सारा करें, ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन इसका दिया गया है, सॉल्यूशन हैज अ सॉल्यूशन, बोलो एक सॉल्यूशन रख रहा है, इसका मतलब बोले क्या करेंगे सेट्सफाई, क्या होगा अगर ये एक सॉल्यूशन रख रहा है तो क्या किया जा सकता है, इसको क्या बना दिया जाए, इसको बदल दिया जाए, इसको बदल दिया जाए, क्या बना दूं इसको, टू साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, क्या लिख दूं इसको बताओ, टू साइन इनवर्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स में है कुछ, साइन टू ए का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर ना, ए इंटू अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से कर सकते हैं शायद ना, आ जाएगा आई थिंक है ना, तो वैल्यू से ही कर लो इसको समझ ना, डायरेक्ट आया हुआ है तो वैल्यू रख के कर लो, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, कौन सा आंसर आएगा इसका, ऑप्शन ए के बी के सी, जल्दी बोलो, ट्राई करो, बढ़िया क्वेश्चन निम्न सेट में आ चुका है, याद है कहाँ पे, ये बोले इसको करें ट्राई सभी लोग, बढ़िया क्वेश्चन एकदम,
जल्दी जल्दी ट्राई मारें। सी आंसर है, ठीक सी आ गया सबका। साइन वर्स एक्स कहां से क्या रेंज क्या होता है जल्दी बोलो, साइन वर्स का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इसकी जगह पे कह दिया है टू साइन वर्स से, इसका रेंज क्या हो जाएगा, ये भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो जाएगा, तो साइन वर्स कहां से कहां तक हो जाएगा, माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर हो जाएगा, और साइन भेज दो तो माइनस वन बाई रूट टू से ए कहाँ तक हो जाएगा हमारा, प्लस का वन बाई रूट टू तक हो जाएगा, इसका मतलब मॉड ए हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू वन बाई रूट टू, तो डायरेक्ट सी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, होता कि नहीं होता बोलो, साइन बर्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है, इसकी वैल्यू रख दो सॉल्व कर लो, क्लियर। आप इससे भी कर सकते हो, वो साइन टू ए वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट ये आपका डायरेक्ट आंसर दे देगा आपको। समझ गए सभी लोग, निम्नस्टैट में आ चुका है, ट्राई करते रहें। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करें फटाफट, बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई करें। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताएं, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में हिट हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, फटाफट करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। फटाफट आंसर, फटाफट आंसर बताएं जल्दी से, क्या आंसर आएगा। अंडर रूट में वन प्लस कॉस टू एक्स इक्वल टू रूट टू टाइम्स कॉस इनवर्स कॉस एक्स, पाई बाई टू से पाई की बात हो रही है, देखें एक बार जल्दी बताएं बच्चों आंसर आएगा। जैसे अगर मैं यहां की बात करूं तो इधर क्या लिखा हुआ है जल्दी बोलो बच्चों, अंडर रूट में वन प्लस कॉस 2x लिखा हुआ है, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, रूट टू टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स। थोड़ा गौर से समझे, ये क्या बोला गया, x हमारा पाई बाई टू से पाई में, तो इसका रेंज क्या होता है बताओ, कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, जीरो से पाई, तो अगर कॉस से कॉस काटते हैं तो क्या आएगा, जीरो से पाई आ जाएगा, तो उस रेंज में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा डायरेक्ट, क्या बचेगा यहां पे, रूट टाइम एक्स बचेगा, इसको क्या बोल सकते हैं जल्दी बोलो, रूट टू बाहर आ जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स बाहर निकलेगा, तो रूट इज रूट टू कैंसिल, इसे मॉड कॉस एक्स बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एक्स। पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल, पूछो क्यों, क्यों पॉसिबल नहीं है जरा बताएं कोई, देखें किस लिए, क्योंकि यहां पे आपको बोला गया एक्स किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है बेटा, तो मॉड कैसे खुलेगा, माइनस कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, जीरो से पाई बाई टू में, तो कॉस एक्स हमारा किसके बराबर हो जाए, माइनस एक्स के बराबर हो जाए, तो क्या पॉसिबिलिटी है, कभी पॉसिबिलिटी है इस बीच में कोई ऐसा एंगल आपको मिलेगा जिसमें कॉस की एक्स की वैल्यू रखें तो माइनस एक्स के बराबर हो जाए, बट याद रखना कॉस किस में बिलोंग करेगा, एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, पाई बाई टू से पाई, आप ग्राफ बना के भी ड्रॉ करो तो भी आंसर नहीं आएगा, चेक करें, इसको हमने पाई बाई टू लिया, इसको पाई लिया, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस पाई, माइनस में आएगा ना, पाई पे बोलो, और पाई बाई टू पे क्या होगा, कॉस की वैल्यू जीरो, जैसे क्रॉस कर रही होगी इसको, और फिर यहां से क्या होगा, ऐसा ऐसा पहुंचेगा, क्लियर है बात, पाई पे क्या होगा, माइनस में होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। अब हम तो ध्यान से देखें, माइनस एक्स का, तो जब पाई बाई टू होगा तो इसमें भी क्या निकल जाएगा, वो भाई यहाँ पे जब हमारा पाई बाई टू होगा तो ये मान लो हमारा वन पॉइंट के आसपास रहेगा, बट जैसे ही पाई पहुँचेगा तो ये 3.14 यहाँ पहुँच चुकी होगी लाइन, समझ गए ना बच्चों, तो कोई मैच इनका
आपस में नहीं होने वाला है। इससे अच्छा कॉस एक्स कॉस मॉड एक्स का भी बना के देख सकते हो। कॉस मॉड एक्स अगर आप कैसे बनेगा, राइट ऐसे बनेगा, और एक्स अगर आप कैसे बनेगा ऐसा, बट देखना कहां से कहां तक है, पाई बाई टू से यहां मिलेगा, क्या आएगा, कोई इंटरसेक्शन होगा क्या, नहीं होगा। तो जैसे चाहो वैसे देख लीजिएगा इस क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, सभी लोग बताएंगे। रायपुर में इतनी गर्मी का कारण मैं हूं, क्यों उज्ज्वल, कोई बात नहीं, कल इसी बन जाएगी तुम लोग की, कल इसी बन जाएगी, समझ में आ गया जयप्रकाश, ग्राफ से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते इस क्वेश्चन को तो बना लिया होगा सबने भाई, क्या बोला गया है आप जानते हो, एक्स वाई जेड क्या हो जाएंगे इसके इसमें इक्वल, एक्स वाई जेड एपी में, इसका मतलब बेटा टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड, राइट। आगे देखें इसमें क्या बोला गया, किसमें एपी में, तो इधर क्या हो जाएगा टू एन वर्स वाई इक्वल टू टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स जेड, फॉर्मूला लगाएं क्या आएगा, टू टेन वर्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस जेड अपॉन वन माइनस एक्स जेड, यही होगा। तो किसकी वैल्यू रख दो इसमें, इसका ही फॉर्मूला खोल देता हूं शायद, है ना, इसका ही फॉर्मूला खोल दो, क्या आएगा टेन इनवर्स टू वाई अपॉन में वन माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो टू वाई से टू वाई भी कैंसिल हो जाएगा देखो, राइट। तो वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कुछ जेड है क्या, वन माइनस एक्स जेड, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स जेड, इसका मतलब क्या हुआ एक्स वाई जेड किस में आ गया, जीपी में आ गया। अब एक्स वाई जेड अगर जीपी में भी, इसका मतलब एक्स वाई जेड एपी में भी और जीपी में भी है, मतलब वो बराबर ही होंगे, ठीक है, कोई भी तीन टर्म्स एपी में भी हो जीपी में भी हो मतलब वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे। लेट करके कैसे करोगे, लेट ऐसे ढूंढ पाओगे तीन नंबर जो टेन इनवर्स में एपी में बना दें, इक्वल इक्वल लेके चलोगे चल जाएगा, समझ गए, समझ गए बच्चों, कल का मॉक टेस्ट ऐसा होगा, हो जाएगा, अभी पढ़ाई करो। आंसर जानते हैं सभी लोग इसका, ये क्वेश्चन निमसेट में भी आ चुका है 2021 में, इस पर डायरेक्ट रिजल्ट पूछा गया है भाई, डेटा दिया गया है 0 1 2 3 अप टू एन, और ये डेटा है हमारा एक्स, इसकी फ्रिक्वेंसीज क्या है एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू और कहाँ पे दिया गया है एन सी एन, हमें निकालना है मीन बच्चों, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 into NC0 1 into NC1 2 into NC2 और अब टू कहाँ तक जाएगा n into और अपॉन में इनको ऐड कर देंगे तो 2n हो जाएगा, और ऊपर वाले का फॉर्मूला जानते सभी लोग n into 2n-1 तो एक n कट जाएगा n/2 आंसर आएगा, याद है, नहीं याद है तो डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा दे सकता है कि 0 1 2 3 डॉट 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 मान लो 100 तक दिया गया है डेटा आपके पास और उनकी रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसीज हैं 100C0 100C1 100C2 100C100 क्या आंसर आएगा 50 आंसर आएगा 50, ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन के एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, हो जाएगा फटाफट बोलें, लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस निकाले सभी लोग, आंसर बताएं व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ, जल्दी करें फास्ट बताएं आंसर, फटाफट 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 आंसर बताएं।
दिमाग लगा के बताना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 25 + 25 क्वार्टर स्क्वायर, बोलो। इसको क्या लिख सकते हैं, 36 + 36 10 स्क्वायर, बोलो बेटा। इन दोनों को ऐड करें कितना आ जाएगा, 61, पक्का ना। 61 + 25 cot² x + 25 + 36 tan² x, आप जानते हो इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, जानते हो क्या होगी, बोलो जल्दी से। दिस दिस मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, बोलो। तो 2 अंडर रूट में 5 × 6, राइट, यही होगा। तो 61 × 2 + 120, 56 + 30 = 60, 60 121। ये समझे कैसे आता है, ये आप समझ गए होगे। एक हम लेंगे क्या, 25 cot² θ, एक नंबर हमने ये ले लिया पॉजिटिव, दूसरा नंबर पॉजिटिव क्या ले लिया, 36 tan² x। तो am दोनों का ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू gm करोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रूट के अंदर, तो 5 और 6 बाहर निकलेगा। फिर इसकी वैल्यू मिनिमम क्या हो जाएगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई होके। तो ऐसा डायरेक्ट याद देख सकते हो आप लोग, है ना, नहीं है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। एक शॉर्ट ट्रिक, मान लो ये यहाँ पे लिखा हुआ है a tan² x + b cot² x, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जल्दी बोलो, 2√ab। तो डायरेक्ट याद रख लो 2√ab, तो 2√ab लगाएंगे आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो ओवरऑल की मिनिमम वैल्यू आपका आंसर आ जाएगी, क्लियर है बात। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस फटाफट। अ लैडर ऑफ 9 मीटर रीचेज अ पॉइंट 9 मीटर बिलो द टॉप ऑफ अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, राइट। फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर द एलिवेशन ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 60, व्हाट इज द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। अच्छा क्वेश्चन है, बनाए, अच्छा क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का ट्राई करें। ऊपर का 9 है हमारा और नीचे वाले को हमें निकालना है। ये हमने मान लिया x, इसको मान लिया नीचे वाले को y, राइट। तो एक बार मैं लगा दूं किसमें, कंप्लीट में लगा लेते हैं एक बार। तो 9 + x / y = क्या हो जाएगा, 1060, राइट। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 + x / √3, ठीक। अब हम लोग इसमें लगाते हैं केवल समय, केवल इतने वाले में cos 30, तो cos 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस ना, y/9, तो इसकी वैल्यू √3/2 y/9, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9√3/2। अब रखो ये 9√3/2, कंपेरिजन कर दो दोनों का, हमें x निकालना है ना, तो 9√3/2 = 9 + x / √3, है ना, मल्टीप्लाई करें तो 27/2 = 9 + x, 9 + x ही तो चाहिए, तो 13.5, है ना, सही है। तो बढ़िया क्वेश्चन यार, है ना, थोड़ा सा हम लोग लैंग्वेज से भटके बट आंसर सही है, राइट। नोट कर लीजिए 13.5, समझ में आया, 13.5 विल बी द राइट आंसर, इट इज नॉट 16.7। तो 16.7 में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत करार दे दिया था, बट वो गलत हो गया था, एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। सही बात है, एक पूरा फ्लैग स्टाफ था, ये बोलना चाह रहा था, एक फ्लैग स्टाफ हमारा इतना बड़ा है, उसके ऊपर फ्लैग लगा रहे, जितना बड़ा लगना उसके ऊपर जो फ्लैग है उसकी नीड ही नहीं है, एक फ्लैग स्टाफ है, एक लैडर है 9 मीटर रीच, जो 9 मीटर लॉन्ग रीचेज अ पॉइंट 9 मीटर बिलो द टॉप ऑफ अ फ्लैग स्टार, मतलब ये 9 मीटर की लैडर कहाँ पहुँचेगी, ये जो सीढ़ी है हमारी ये कहाँ पहुँचेगी, हमारी इस फ्लैग स्टाफ के बीच में पहुँचेगी 9 मीटर लॉन्ग, राइट। द एलिवेशन ऑफ द फ्लैग स्टाफ, इस पूरे फ्लैग स्टाफ को देखा जा रहा है ना, यहाँ थोड़ा बर्डिंग में ही दिक्कत है बस, बट ठीक ही आई थिंक, है ना, टॉप बोलना चाहिए उसको, बट ठीक है, एलिवेशन ऑफ द फ्लैग स्टार, बट कहाँ किस पॉइंट पे भी थोड़ा बताना जरूरत है। तो ये 60 था हमारा, अब ये 60 था, तो ये हमारा ओवरऑल 60 था, ये 90 था, 30 था, ये दोनों 9 9 है, तो ये 30, ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा। एक बार 10 60 लगाया हम लोगों ने, तो कंपेरिजन मिला 9 + x / y, तो 9 + x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कुछ आ गई, कितनी इसकी बाई रहा, और वहाँ से हम लोग जब इस वाले को लगाया cos 30, तो हमारी बाई की वैल्यू आई, ठीक है। नोट कर लो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा, तो आपको बनाना पड़ेगा। तो राइट आंसर इज
क्या है बच्चों इसका राइट आंसर, जल्दी बोले, 13.5। बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन को बनाए, द टॉप ऑफ अ हिल ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट एच इज, एंगल ऑफ एलिवेशन दिए गए हैं रिस्पेक्टिवली, हाइट पूछी गई है आपसे, फटाफट बनाए बनाए। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज मैं इसीलिए थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, एकदम बच्चों वाले नहीं लाया मैं, थोड़े आपको लैंग्वेज भी आपको समझनी है, ठीक है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो बहुत सारे करे हैं तुम लोगों ने, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीखें। बनाए फटाफट फटाफट आंसर निकालें। जल्दी ट्राई करें सभी लोग। देखें क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है बेटा, समझते हैं एक बार, है ना, इसको भी बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है एक बार समझें। द टॉप ऑफ अ हिल ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग। समझो, एक हमारे पास हिल दिया हुआ है, पहाड़ी, ठीक है बेटा, इस क्या बोला, द टॉप ऑफ अ हिल, इसके टॉप को देखा जा रहा है कहाँ से, बिल्डिंग, तो ऑब्वियसली छोटी सी हमारे जो पहाड़ी होगी वो लंबी होगी, ऊँची होगी, राइट, तो इसके टॉप से भी इसको देख रहे हैं और इसके बॉटम से भी इसको देख रहे हैं। तो टॉप से कितने पे देख रहे हैं, जल्दी बोलो, एंगल कितना है, 30, और बॉटम से कितने पे देख रहे हैं इसको, 60। व्हाट आर द हाइट ऑफ द हिल, हमें हाइट निकालनी है हिल की, मतलब हमें ये पूरा पता करना है। अच्छा, ये क्या बोला है उसने, ये एच दिया है, दिस इज एच, और अपन को पूरा निकालना है ना, राइट बच्चों, पूरे कैपिटल एच मान लो, बोलो जल्दी से, तो ये वाला क्या हो जाएगा, h माइनस एच, राइट, तो कंप्लीट एक बार 1060 लगा दो, आंसर आ जाएगा ना, 1060 की वैल्यू क्या हो जाएगी, h बाई, इसको x मान लो, h बाई x, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3x, राइट, अपन को h निकालना है क्या, h ही निकालना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, h का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3x, राइट ना, यहां तक क्लियर है सभी को। अब आगे समझते हैं, अब 1030 में लगा दो एक बार, 1030 क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो बच्चों, ये भी x ही है ना, तो कितना हो जाएगा, h माइनस h अपॉन में x, अब x की वैल्यू वहां से हटा के यहां रख दो आप, आंसर आ जाएगा आपका ना, 1/√3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, h माइनस h, अब x की वैल्यू वहां रख दो, यहां पे 1/√3 है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, h/√3 आ जाएगा, h माइनस h, तो बेटा h/3 हो जाएगा, h माइनस h, तो क्या हो जाएगा, इधर भेज दो, h माइनस h बाई थ्री इक्वल टू h, सो 2h/3 h, तो h इक्वल टू 3h/2 है ऑप्शन, तो 3h/2, राइट, कौन सा, ऑप्शन बी, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये बेसिक लेवल पे ही क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस का मेन होता है आपको लैंग्वेज समझना है, ठीक है, प्रॉपर, थोड़ा भी डायग्राम अगर गड़बड़ बन गया तो आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आया सभी को, क्लियर है यहां तक, एक बार अप्लाई करना सभी लोग, क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फटाफट बनाए। 5 ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं जिनका मीन दिया है 4.5 और वेरियंस दिया गया है 8.124। अगर बच्चों इसमें से 3 ऑब्जर्वेशन 1-6 है तो बताइए अदर 2 ऑब्जर्वेशंस क्या है। बहुत आसान है, आई थिंक इस क्वेश्चन को कर चुके हैं और यहां पर भी कर सकते हो, क्योंकि सब में सबका क्या है, अलग है, तो एक ही बार में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, सम सबका अलग अलग है तो एक ही बार में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बोलो बच्चों, जल्दी से अप्लाई करेंगे,
सम सबका अलग अलग है तो एक ही बार में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नहीं आ रहा है? तो गलत होगा फिर तो, क्वेश्चन गलत है क्या? चार को तीन कर दो मतलब? ऑप्शन देखूं क्या? फाइव ऑब्जर्वेशन है, 4.4 है, ठीक है, 916 ऑप्शन है, 94 है, 81 और 16 है, 81 और 4 है, नाइन और फोर आंसर दिया भाई। आ गया? क्या सोच रहे हो? कौन का क्वेश्चन गलत कर लिया? जब आपको मीन दिया गया है बेटा, देखो पांच ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है, 4.4, तो अब आप इन ऑब्जर्वेशन को क्या करें, ऐड करें, प्लस में एक और मान लिया एक्स, एक मान लिया भाई, अपॉन में कर दे फाइव, इसकी वैल्यू कितनी है, 4.4, ऐड करो 9 प्लस में x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22, x प्लस y की वैल्यू कितनी आएगी, 13, तो 13 आना चाहिए सम, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और 13, तो क्या दिक्कत है, किसको समझ में नहीं आ रहा था ये? ठीक है, अगर आपका मैच कर गया तो अच्छी बात है, अगर मैच नहीं करता ऑप्शन तो क्या करते, अगर ऑप्शन मैच नहीं करता बच्चों तो क्या करते, तो फिर हम लोगों को वेरिएंस में भी जाना पड़ता, फॉर्मूला लगाना पड़ता और रिजल्ट बनाना पड़ता, समझ गए? चलो, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फाइव ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज 5 एंड 2, 5 अगर ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, क्यों नहीं होगा? नया मीन क्या होगा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सॉरी, तो भाई से बताया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा हुआ है नए डेटा का, भाई जो न्यू मीन होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ बच्चों, न्यू मीन, भाई पहले मीन कितना था हमारा, 5 था, हर डेटा में 5 ऐड कर दिया, इसका मतलब 5 प्लस 5 10 हो गया ना मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन पहले क्या था, क्या था स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा, 2, तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन तो वही रहेगा, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, जल्दी बोलो, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू, बहुत बढ़िया बात, 100% सही बोल रहे हो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2, मीन कितना 10 इंटू 100, कितना आ जाएगा आंसर, 20, राइट, सो 20 विल बी द राइट आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां तक, 20 विल बी द राइट आंसर, क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, दो बचे हैं, दो और करेंगे जल्दी जल्दी, ये सबको याद है ना, वेरियंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस नो, वेरियंस हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, वेरियंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि 400 अपॉन में नंबर कितने हैं, एन माइनस 80 बाई एन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो 400 अपॉन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6400 अपॉन एन स्क्वायर, एन हमारा पॉजिटिव तो कट कर सकते हैं, ये कितने बार, 16, सो एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, एन की वैल्यू 16 से बड़ी होनी चाहिए या 16 होनी चाहिए, तो आंसर 16, तो कभी 16 कभी 18 कभी 20, जो भी आ जाए 16 से बड़ी होनी चाहिए, इस पे मैंने क्वेश्चन बदल के भी दिया आप लोगों को, याद है, इस पे क्वेश्चंस बदल के भी दिया गया आप लोगों को, ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है, बनाएं, ट्राई करें सभी लोग, रेग्रेशन का क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, रेग्रेशन कोफिशिएंट पूछा गया है, दो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस दिए गए हैं, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशंस दिया गया है, कितना, माइनस 6.64 और माइनस का 0.36, ठीक है, पढ़े हो, आर ऑफ एक्स बाई आर ऑफ वाई एक्स क्या होता है, आर इक्वल टू अंडर रूट एम ऑफ एक्स बाई इंटू में एम ऑफ वाई एक्स, तो क्या आ जाएगा आंसर, पॉइंट, अरे यार, 0.64 मल्टीप्लाई में 3, कितना आ जाएगा, करो, कितना आएगा,
चलो 64 इंटू पॉइंट में 60.2 पॉइंट में 38.6 है ना, तो एक एक 8 आएगा और एक 08 आएगा क्या? नहीं 80 आएगा, 8 इंटू तो क्या हो जाएगा पॉइंट 48। अब पॉजिटिव के नेगेटिव बताइए, पॉजिटिव के नेगेटिव। अब आपका आंसर तो भाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये बताना है आपको। नेगेटिव ही लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे? बोलो। तो डिपेंड करता है, जब अगर ये दोनों के साइन सेम होंगे तो ये हम लोगों को डिपेंड करता है, अगर ये दोनों नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव, क्योंकि प्लस माइनस आएगा यहाँ पे। तो नेगेटिव का 0.8 लेंगे, याद रखना ठीक है। अगर ये दोनों नेगेटिव हैं, इफ बोथ एम ऑफ एक्स वाई एंड एम ऑफ वाई एक्स आर नेगेटिव, तो ऑलवेज चूज द नेगेटिव वैल्यू, राइट। सो राइट आंसर इज माइनस का 0.48। क्वेश्चन भी यही आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। तो नोट करके रखिए इस क्वेश्चन को, समझ में आया सभी को? कौन सा प्लस माइनस हो, डिफरेंट सेम साइन होगा तो नेगेटिव, अपोजिट साइन होगा तो पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे सारे, ठीक है। और अपोजिट साइन तो आ नहीं सकते, क्यों? अंदर नेगेटिव हो जाएगा रूट के अंदर, तो दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो नेगेटिव, दो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है क्या? तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसलिए या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अगर दोनों नेगेटिव तो नेगेटिव आंसर आएगा, दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव आंसर आएगा। चलिए अब हम लोग मिलेंगे मॉड्यूल नंबर 3 में MIQs की क्लासेस में। जितने भी बच्चे इन क्लासेस को ढंग से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग रिकॉर्डेड में देख रहे हैं या जो भी है, आप इन क्लासेस के नोट्स बहुत अच्छे से बनाएं, प्रॉपर बनाएं, इनकी PDF भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब एग्जाम होगा तो आप देखेंगे कितने सारे क्वेश्चंस आपको सेम पैटर्न पे या सेम डिजिट के साथ मिले, राइट। और टेस्ट हो चुके हैं दोनों मॉड्यूल 2 के, ठीक है। तो कल मॉक टेस्ट है हमारा, मॉक टेस्ट की तैयारी करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। निमसर भी भाई को क्या आज का होमवर्क? हाँ भेज दूंगा। असाइनमेंट भेज दे रहा हूँ आप लोगों को, मिल जाएगा उसमें बेटा। किसमें? एक मिनट।